ऐसे शानदार म्यूजिक और फिल्मों का मजा तब पूरा होता है जब साथ हो एक पॉपकॉर्न का पैकेट। कई लोगों के लिए तो सिनेमा हॉल में बिना पॉपकॉर्न के फिल्म देखना नामुमकिन सी बात है, लेकिन हर बार वही नमकीन पॉपकॉर्न खाकर आप बोर नहीं हो जाते? सोचिए, आप काउंटर पर पहुंचे हैं और आपके सामने हो पॉपकॉर्न की 10 अलग अलग वैरायटी। हनी चिली लाटे माकियाटो चेदर चीज, ये तो पॉपकॉर्न की बस कुछ किस्में भर है। पॉपकॉर्न के शौकीनों के लिए हैमबर्ग के गेट पॉपकॉर्न्स के पास और भी कई फ्लेवर हैं। मेरे लिए ये बड़ी मजे की बात है कि मक्के जैसी मामूली चीज से आप इतनी मजेदार चीज बना सकते हैं। लोग सोचते हैं पॉपकॉर्न का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन आप इससे कितनी मजे मजे की चीजें बना सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ सिर्फ प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल होता है, ना कोई प्रिजर्वेटिव ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर। अब तक यहाँ पॉपकॉर्न के लिए 30 नए स्वाद तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 12 बाजार में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा कैरामल बिकता है, फिर हनी चिली, और उसके बाद नंबर आता है वनीला और चेदर चीज का। जर्मन लोग पॉपकॉर्न में चीज नहीं खाते, उन्हें मीठा स्वाद ज्यादा पसंद है। पहले चीज और क्रीम पॉपकॉर्न सबसे कम बिकता था और हम सोचने लगे थे कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए, लेकिन फिर ये चौथा सबसे पसंदीदा फ्लेवर बन गया, क्योंकि बियर और रेड वाइन के साथ ये बड़ा मजेदार लगता है। उत्पादन के लिए ज्यादातर मशरूम वैरायटी का कॉर्न इस्तेमाल किया जाता है, जो तैयार होकर मशरूम के आकार का दिखता है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए कॉर्न को भुना जाता है, गरम ओवन में उसकी सिकाई होती है। इस आकार के कॉर्न पर चॉकलेट की परत चढ़ाना आसान है। मुझे खुशी है कि हम पॉपकॉर्न की इतनी सारी वैरायटी बनाने वाले सबसे पहले हैं। असल में ये आइडिया थॉमस नीडरब्रेमन अमेरिका से लेकर आए। शिकागो के दौरे में उन्होंने पहली बार एक दुकान में फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न का मजा चखा। पॉपकॉर्न के लिए मेरा प्रेम असल में फिल्मों के लिए मेरे प्यार से शुरू हुआ। मैं हमेशा फिल्में पॉपकॉर्न के साथ देखता था, लेकिन फ्लेवर बोरिंग होता जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों न जर्मन बाजार में से लाकर देखा जाए। केट्स पॉपकॉर्न सबसे पहले 2007 में हैमबर्ग के बाजार में आया। केट असल में सुजाने की दादी का नाम था, जिन्होंने उन्हें सबसे पहले पॉपकॉर्न का स्वाद चखाया था। इस समय केट पॉपकॉर्न जर्मनी और ऑस्ट्रिया की लगभग 100 दुकानों में बिक रहा है। कंपनी ऑर्डर इंटरनेट पर लेती है। डेनमार्क, पोलैंड, ईरान और तुर्की से भी लोग केट पॉपकॉर्न के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये बहुत मजे का है, खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया। मैं ऑरेंज फैन हूँ, मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है। चीज का स्वाद, लेकिन पॉपकॉर्न इसे खाकर कॉफी बीन्स का स्वाद आता है, जबरदस्त। केट पॉपकॉर्न खास मौकों के लिए भी तैयार किया जाता है। बड़े समारोहों के लिए ऑर्डर बड़े होते हैं। कई बार कंपनियां पॉपकॉर्न अपने कॉर्पोरेट रंग में चाहती हैं। हमने बैंगनी और नीले रंग के पॉपकॉर्न भी बनाए हैं, लाल पॉपकॉर्न और कई रंगों वाले पॉपकॉर्न भी। ग्राहकों को ये बहुत पसंद आता है। एक कस्टमर ने कॉल करके कहा कि उनके कुत्ते को पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगा और क्या हम उसके लिए मांस के स्वाद वाला पॉपकॉर्न बना सकते हैं, पर मैंने मना कर दिया। मैं इस तरह के पॉपकॉर्न की कल्पना भी नहीं कर सकती। फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न घर घर में पसंद किए जा रहे हैं और कई तरह के स्वादों के साथ प्रयोग चल रहे हैं, यानी पॉपकॉर्न के और भी जायके बाजार में मौजूद होंगे।